ये परसों रात को सेवा ढाबा केजीपी के पास है, वहाँ पे इन लोगों ने आके मारपीट की है, होटल वाले के पैसे छीने हैं और उसको काफ़ी चोटें पहुँचाई है। करीब रात 11:30 बजे का मामला है। तो परिवादी ने दरखास्त दी थी, उसके अनुसार मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। इसके साथी जो इसके साथ आए थे, जिसको ये साथ लेके आया था, झगड़ा किया था, उनको आगे पूछताछ करके अच्छे से उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। धाराएं जो हैं वही रहेंगी, तो धारा तो जो बिल्कुल खत्म हो गई। और बहरपुर के निवासी अनिल से अलग इनके कितने साथियों को और गिरफ्तार किया गया? अभी तो अनिल को ही गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ जारी है। जिसके इनके नाम बताए गए आगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कब तक उम्मीद है उनकी गिरफ्तारी की? जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो ये इनका लड़ाई झगड़े का मामला दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप क्या कदम उठाना चाहोगे अपने क्षेत्र के छाये से थाने के अंतर्गत आने वाले गाँव में? मैं उस चीज़ पर पूरा सख्त कदम उठाएंगे, जो भी किसी तरह की गलत एक्टिविटी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। तो एस एच ओ साहब, क्या मामला है कि तुम्हारे बहबलपुर के अनिल निवासी को गिरफ्तार किया गया है आज? ये परसों रात को सेवा ढाबा केजीपी के पास है, वहाँ पे इन लोगों ने आके मारपीट की है, होटल वाले के पैसे छीने हैं और उसको काफ़ी चोटें पहुँचाई है। परसों रात किस टाइम का मामला है? ये करीब रात 11:30 बजे का मामला है। कौन कौन सी धाराओं के तहत बैवलपुर निवासी अनिल को गिरफ्तार किया गया है? जो परिवादी ने दरखास्त दी थी, उसके अनुसार मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। इसके साथी जो इसके साथ आए थे, जिसको ये साथ लेके आया था, झगड़ा किया था, उनको आगे पूछताछ करके अच्छे से उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी? धाराएं जो हैं वही रहेंगी, तो धारा तो जो बिल्कुल खत्म हो और गई। बहरपुर के निवासी अनिल से अलग इनके कितने साथियों को और गिरफ्तार किया गया? अभी तो अनिल को ही गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ जारी है। जिसके इनके नाम बताए गए आगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कब तक उम्मीद है उनकी गिरफ्तारी की? जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो ये इनका लड़ाई झगड़े का मामला दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप क्या कदम उठाना चाहोगे अपने क्षेत्र के छाये से थाने के अंतर्गत आने वाले गाँव में? मैं उस चीज़ पर पूरा सख्त कदम उठाएंगे, जो भी किसी तरह की गलत एक्टिविटी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।